फैमिली अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है और बकरीद भी आने वाली है अब तो। हमारी गली में भी बहुत ज़्यादा बकरे ही बकरे हो रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी, क्योंकि जानवर आ रहे हैं सब, मतलब बकरे वगैरह सब आ रहे हैं, भैंस। हम भी अभी हम भैंस में कुर्बानी करने की सोच रहे हैं, तो हम अभी करेंगे एक दो दिन में। और अभी घर पे थोड़ी सी बकरीद की सफाइयाँ चल रही हैं, आपको दिखाती हूँ क्या चल रही है। देखिए सारा सामान इधर से उधर हो रखा है अभी, ये देखिए पूरा इधर से। तो मम्मी ने सारा साफ़ किया, मम्मी ने और फातिमा ने मिल के साफ़ किया, येरी फातिमा भी। ये सारा अभी साफ़ करना बाकी। और ये देखिए मम्मी के लिए कड़े लाई थी, दिखाना फातिमा, ये देखिए अभी साफ दिख नहीं रहा, पता नहीं ब्लर हो रहा है, लेकिन बहुत प्यारे हैं, क्यों नहीं, बहुत प्यारे हैं। अम्मी के लिए ना कड़े लाई थी, लगी हुई है, ये देखिए मशीन भी लग रही है, क्योंकि फिर बकरी आ रही है ना, फिर कपड़े धुलने पाएंगे, बकरीद के बाद ही धुलेंगे, तो अभी मशीन भी लगी हुई है, बड़ी बाजी कपड़े धो रही हैं। अभी घर भी साफ होएगा अच्छे से पूरा। तो अभी आपने देखा घर भी सारा फैला पड़ा है, अभी थोड़ी बहुत सफाइयाँ कर रही हैं और बड़ी बाजी तो कपड़े धो रही है, मशीन लगा रखी है। आप लोग सोचते होंगे बड़ी बाजी को क्यों नहीं दिखाते, तो मैं आपको उसका रीज़न व्लॉग के एंड में बताऊंगी, तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखना आप, ठीक है? आपको इसका रीज़न मैं एंड व्लॉग में बताऊँगी। और आपको एक चीज़ और बताऊँगी एंड व्लॉग में, ठीक है? तो बने रहना हमारे साथ व्लॉग के एंड तक। फैमिली जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, सफाइयाँ चल रही हैं घर पे और सब सफाइयों में लगे पड़े हैं, लेकिन अब शाम का वक्त हो चुका है, क्योंकि दोपहर से अब तक ना मुझे टाइम नहीं मिला था बिल्कुल भी व्लॉग कंटिन्यू करने का, अब जाके मुझे टाइम मिला है व्लॉग कंटिन्यू करने का, तो अब शाम का वक्त है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा, आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, हवा का बिल्कुल नाम नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और माशाल्लाह हमारे नीचे वाली चाची का भी बकरा आ चुका है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। और ये देखिए मारिया भी नीचे बकरा देखने आई हुई थी, मारिया, ये फहीम है, ये फातिमा है, ये फहीम है। और ये देखिए चाची का बकरा, ये फातिमा इसको पत्ते खिला रही है, देखिए ये फातिमा है, फहीम है, ये इनका बकरा है फहीम का, माशाल्लाह बहुत प्यारा बकरा है, देखिए आप बहुत ही प्यारा है, ये देखिए। मेरा भाई भी बिलाल और सब इसी के चक्कर में लगे हुए हैं, खिलाने के चक्कर में। ये भी यहाँ पे पिन्नी पड़े हुए थे, इन्होंने इसको इतने चिप्स पास्ता खिलाए हैं। फहीम भी बहुत इसकी देखभाल कर रहा है, बहुत अच्छे से खिला रहा पिला रहा है, अभी नई नई जगह है ना थोड़ा इसलिए डर रहा है, लेकिन हो जाएगा सही। और ये देखिए ये दोनों यहाँ पे खेल रही हैं, ये देखिए दोनों खेल रही हैं अच्छे से, देखिए नौशीन अप्पी भी खिला रही है बकरे को, ये फातिमा भी खिला रही है, फातिमा जब भी बकरा आया था, फातिमा जब बहुत ज्यादा डर रही थी, पर देखो अब नहीं डरती, अब कैसे छू रही है उसके मुंह को। जब पहले पहले दिन आया था तब ये रो रही थी। फैमिली हमने खाना वाना खा चुके हैं, रात हो चुकी है और काम वाम भी सारा हो गया है, तो अभी हम बाहर खड़े हैं, ये देख सकते हैं आप, रात हो गई है। और इधर बरीरा भी खड़ी है, इधर फातिमा भी बैठी है, बाहर ही खड़े हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पसीना भी इतना आ रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आपको दिखाती हूँ बकरीद का चाँद भी नज़र आ गया, मतलब वो तो पहले ही नज़र आ गया था, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। देखिए फैमिली मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से दिख रहा है, ये देखिए
चांद माशाल्लाह कितना प्यारा नज़र आ रहा है। अभी क्लियर नज़र नहीं आ रहा यहाँ से, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है देखने में माशाल्लाह। और ये हमारी गली है नीचे की, ये देखिए, ये हमारी गली है नीचे की। जैसा कि मैंने आपको दिखाया चांद माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है, और गली भी मतलब नीचे मैंने दिखाई आपको बहुत नीचे है। तो बस अब यहीं पे अभी आगे कुछ देखती हूँ, अगर कुछ होता है तो बनाती हूँ, वरना इंशाल्लाह फिर आपसे कल मिलती हूँ। ठीक है गाइस, देखिए आज कितनी अच्छी से बारिश हो रही है। कुछ दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो आज बहुत तेज़ बारिश हुई है, तो अच्छा लग रहा है। और ये देखिए मारिया नहा रही है, और ये बरीरा खड़ी है, मारियो को देख रही है, और ये अलविया है, और बारिश पड़ रही है बहुत मज़े की। देखिए अब और भी तेज़ आ गई, और ये देखिए कितना मज़ा कर रहे हैं। इधर बरीरा भी मजे ले रही है। मारिया नहाओ। ये देखिए बारिश, देखिए अब और भी तेज आ चुकी है, और इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बरीरा हटो। देखिए कितनी तेज़ बारिश आ चुकी है दोबारा से, बहुत ही तेज़ आ रही है बारिश। ये ऊपर से पानी भी गिर रहा है यहाँ से, देखिए बहुत तेज़ आ चुकी है बारिश ये देखिए, और हवा भी साथ में आ चुकी है अब तो, बहुत ही तेज़, बहुत मज़ा आ रहा है। फैमिली जैसा कि अभी आपने देखा कितनी तेज़ बारिश आ रही है, बहुत ही तेज़ बारिश आ रही है, और सब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही गर्मी से परेशान हो चुके थे। पूरा 1 वीक हो चुका था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा हद पार हो चुकी थी गर्मी की, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, इतनी परेशान हो चुके थे बहुत ही ज़्यादा। तो अब अल्लाह से दुआएं कर कर के रोज़ के अल्लाह बारिश पड़ा दे, अब जाके बारिश हुई है, अब जाके दिल को थोड़ा सुकून मिला है कि बारिश आ गई, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, सब नहा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है बारिश आने के बाद, बहुत तेज़ आ रही है अब तो बारिश। अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने सुन ली हमारी दुआएं, काश बारिश आज आ ही गई अल्लाह पाक, और बस पूरा दिन इसी तरह पड़ा जा रहा तो तभी गर्मी कम होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान थे बहुत ही ज़्यादा। सो फैमिली अब रात का टाइम मतलब के 8 बज रहे हैं अभी, उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था शाम के बाद, थोड़ा ना मैं मतलब अपनी क्लिनिक पर चली गई थी तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। उसके बाद अब आई हूँ मैं, तो अब जाके मैं फ्रेश वगैरह होकर डिनर विनर कर कर तो अब जाके मुझे टाइम मिला, तो अब मैं व्लॉग को आगे बढ़ा रही हूँ। तो बस अभी ज़्यादा कुछ बढ़ नहीं पाएगा, अब तो रात हो ही चुकी है वैसे भी, तो जितना भी बनाया आज यहीं पर बनाऊँगी, हो सके तो थोड़ा बहुत जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं बन पाया आज व्लॉग में, थोड़ी बहुत घर की साफ़ सफाई दिखाई थी मैंने आपको थोड़ा बहुत, और नीचे जो भी दिखाया बस, लेकिन आप लोग उसको पसंद करना, अच्छे से वो करना, हमें सपोर्ट करना, प्यार देना। अभी मैं इतने अच्छे से, मुझसे बोलना भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मुझे बिल्कुल भी अभी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि न्यू स्टार्ट करा है बनाना, तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ और क्या नहीं। और आप लोगों को एक बात और बताऊं कि हमारे ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि हम गर्मी से हमारे चूज़े भी मर गए हैं बेचारे, बहुत ज़्यादा दुख हुआ उन्हें वो देख कर, इतने हमने इतने अच्छे से उन्हें इतने दिन पाला, एक महीना लगातार इतने अच्छे से, और गर्मी से वो मर गए हैं चूज़े हमारे। और आप लोग सोचते होंगे कि हम अपनी बड़ी बाजी को क्यों नहीं दिखाते, तो उसकी वजह है बड़ी बाजी का रिश्ता हुआ हुआ है, ताकि अभी उन लोगों को परेशानी ना हो कि ऐसे मतलब YouTube पर आ रही हैं, तो अभी फ़िलहाल हम इसलिए नहीं दिखाते उन्हें। इंशाल्लाह आगे अगर उन्हें वो लोग इजाज़त देंगे तो हम इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे, इसलिए हम अभी उन्हें दिखाते नहीं हैं। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फैमिली हमें बहुत सपोर्ट करिए, जैसा आप औरों को सपोर्ट करते हो आगे बढ़ाते हो, उनके साथ हमें भी प्यार दीजिए थोड़ा, उन्हें ज़्यादा दे दो तो उसमें से थोड़ा हमें भी दीजिए प्लीज़ फैमिली। लेकिन अभी इतने परफेक्ट नहीं हुए हम, अभी व्लॉग बनाने में इतने अच्छे से नहीं बना पाते, इतना मतलब अच्छे से परफेक्टली बना नहीं पाते, तो इसलिए जो भी बना रहे हैं आप लोग प्लीज़ हमारे व्लॉग को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए,
और आज अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, पसीना सूख नहीं रहा बिल्कुल भी। प्लीज़ फैमिली, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और तो बोलो फातिमा। कुछ नहीं, बस हमारे ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें आगे बढ़ाओ, बस यही कहना है। प्लीज़ फैमिली, प्लीज़ बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, शायद नेक्स्ट व्लॉग चांद रात का हो, ईद भी आ रही है, बकरीद, इंशाल्लाह सबकी अच्छी जाए, सब लोग अपने घर में खुश रहें और स्वस्थ रहें इंशाल्लाह। सब बस यही दुआ है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।